गोवर्धन जी और संगठन मंत्री हमारे सुनील बंसल जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी और हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, आज जो हम भारत के मन की बात मोदी जी के साथ, इसका श्री गणेश जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राजनाथ जी ने दिल्ली में किया, उसका आज उत्तर प्रदेश में उसकी लॉन्चिंग और उसकी शुरुआत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा होने वाला है। हम जानते हैं कि भारत के मन की बात मोदी जी के साथ का यह कार्यक्रम आगे चलकर 2019 से लेकर अगले 5 वर्षों में किस तरीके का भारत को हम देखते हैं, उसमें हम जन भागीदारी में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन का भारत, उनके सपनों का भारत, वो भारत, मजबूत भारत कैसा बने, उसकी साझेदारी जनता के साथ हो, इस बात का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। और हम यह भी जानते हैं कि जो भारत के कार्यक्रमों में, जो पिछले 5 सालों में कल्याणकारी कार्यक्रम हुए हैं, उन कल्याणकारी कार्यक्रमों में जन भागीदारी एक विशेष महत्व रखती है और जन भागीदारी के कारण ही वो कार्यक्रम सफल भी हुए हैं। अगर हम देखें स्वच्छ भारत मिशन, अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम देखें गिव इट अप, तो यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम के आधार पर नहीं चल सकते थे। सरकार दृष्टि और दिशा दे सकती, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक इन कार्यक्रमों की सफलता, समाज की भागीदारी नहीं होगी तब तक इन कार्यक्रमों की सफलता नहीं हो सकती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी यह माना गया कि स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गिव इट अप में करोड़ों करोड़ लोगों ने अपने आप को उसमें जन भागीदारी में शामिल किया। और इसी तरीके से भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में माय गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक, जिसको कहते हैं इंटरैक्टिव प्रोग्राम, को चला करके लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और उसी प्रयास में से निकला हुआ यह प्रयास है कि 2019 में भारत की जनता क्या आकांक्षा रखती है, भारत को कैसा देखना चाहती है, उसको मोदी जी अपने साथ समावेश करके कैसे आगे ले चलेंगे, इसको साकार करने की, इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास। मित्रों, पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें तो बहुत से लोग सोशल सिक्योरिटी की चर्चा करते हैं, दुनिया में सोशल सिक्योरिटी की चर्चा होती है, और सोशल सिक्योरिटी में हम कहते रहे कि हम सामाजिक सुरक्षा देंगे, लेकिन चाहे अमेरिका का आप मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए और उनके प्रोग्राम्स को देख लीजिए, चाहे आप यूरोप के प्रोग्राम्स को देख लीजिए, चर्चा तो बहुत हुई लेकिन सामाजिक सुरक्षा एक प्रश्न ही के रूप में खड़ा रहा। लेकिन भारत में अगर आप देखिए तो पिछले 5 सालों में जनधन योजना के तहत तो 33 करोड़ 34 करोड़ लोग जुड़े, जो बैंकों का खाता यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में परिवर्तित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना ने कितना काम किया है, इसको समझने की जरूरत है कि 2014 में 3.25 करोड़ लोग खाता धारक थे और आज 34 करोड़ लोग खाता धारक बने हैं, और उसको हमको ध्यान में रख करके, और उन्होंने लगभग 88 करोड़, जनधन में तो यह कहा गया था कि आप अपना अकाउंट खोलो, कोई अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन 88 करोड़ भारत के लोगों ने इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में डाला, इसको हमको समझने की जरूरत है। और अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो चाहे आप जीवन, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ले लीजिए, जीवन सुरक्षा योजना ले लीजिए, अटल पेंशन योजना ले लीजिए, इन तीनों योजनाओं में 20 करोड़ लोगों ने अपने आप को शामिल किया है, 20 करोड़। लेकिन कार्यक्रम की सफलता तो साझेदारी पर है कि उसमें जुड़ते कितने लोग, ये आंकड़े बताते हैं कि यह हमारे कार्यक्रमों के प्रति जनता का रुझान कितना बढ़ा है, और यह सोशल सिक्योरिटी का विषय को लेकर के हम लोग आगे। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना सिर्फ किसी गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने तक ही नहीं सीमित है,
उज्ज्वला योजना का बहुत दूरगामी इफेक्ट है और हम लोग भी इन सब चीजों को जाने। लैंसेट, लैंसेट दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ मैगजीन है और उसमें कोई चीज छपती है तो उसके पहले कई बोर्ड से गुजर करके जाता है, स्क्रीनिंग होकर के जाता है, तब उसमें कोई चीज छपती है। तो लैंसेट ने इस बात को रिकॉर्ड किया है कि भारत में आने वाले समय में माताओं के और बहनों के फेफड़े की बीमारी में गिरावट आएगी। देयर विल बी शार्प डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दिस उज्ज्वला योजना। ये इसका इंपैक्ट, इसको हमको समझने की जरूरत है। और लगभग 6.5 करोड़ के गैस के चूल्हे बंट गए हैं और 8 करोड़ बांटने का काम चल रहा है। आप सोचिए आज से 5 साल पहले क्या था, 7 सिलेंडर सब्सिडी वाले मिलेंगे, 12 मिलेंगे, यही चर्चा होती थी। लेकिन आज एक बड़ी सोच लेकर के एक बड़ी छलांग लगाई गई और 8 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये हमारे सामने। उसी तरीके से 21.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली नहीं। अब बिजली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है, वो परिवार के लिए उजाला है जिसको हमको समझने की जरूरत है। बिजली के बगैर जो लोग जीते होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी उसको हमको समझना चाहिए। बच्चों को पढ़ने में कितनी दिक्कत आती होगी, कोई स्ट्रीट लाइट में जाकर के पढ़ता होगा, उनकी गरीबी की अवस्था कैसी होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाइंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। तो 21 करोड़ हाउसहोल्ड्स को हम लोगों इस 5 साल के अंदर बिजली दी गई और ये हम क्वांटिफाई करके बताते हैं। मैं तो जब भी चर्चा करता हूं तो मैं हमेशा आंकड़ों के साथ इसलिए बात करता हूं कि जब हम कहते हैं कि देश बदला है तो ये बदला है, इन आंकड़ों से हम बताते हैं कि ये देश कैसे बदला। आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें, आपने कभी सोचा था, हमारे पास होता था राष्ट्रीय आरोग्य निधि, हम 5 लाख देंगे, ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि में 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख देने के लिए यह फाइल भारत के स्वास्थ्य मंत्री के पास आती थी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री। आप समझिए क्या गरीबी का हम हिसाब कर रहे हो। कैंसर के पेशेंट्स के लिए बीपीएल का कार्ड लगाओ, फलाने का कार्ड लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सारा कुछ लगा करके तहसील से चलता था और भारत के स्वास्थ्य मंत्री के पास आता था हस्ताक्षर। जब तक वो आता था तब तक वो मरीज रहता था या नहीं रहता था, यह भी एक प्रश्न। हमने पहले तो ये किया कि ये सब कोई मेरे पास आएगा ही नहीं, सारे फंड्स मैंने हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2-2 करोड़ का कॉर्पस बना दिया, 1 करोड़ का कॉर्पस बना दिया, तुम वहीं पर दे दो, डिस्पैच कर दो, बाद में हमसे उसका सैंक्शन ले लेना ताकि गरीब को दिक्कत ना। लेकिन हम इस पर नहीं रुके, आज हम 10.74 करोड़ परिवार, 55 करोड़ की जनता, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, सारा अमरीका की जनसंख्या, सारे कैनेडा की जनसंख्या और सारी मेक्सिको की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को 5 लाख रुपए का सालाना कवर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इसको हमको समझना है। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। और इस कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल से लेकर बिल एंड मिलिंडा गेट से लेकर के जितने भी संस्थाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं, सब ने शाबाशी देकर के कहा है कि यह कार्यक्रम दुनिया में अनुकरणीय है, देश को, हर एक देश को इसको लागू करना चाहिए, इस तरह की बात की। और देखिए ये कार्यक्रम की शोभा देखिए, हम लोग जो डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं ना, दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड, ये सारा डिजिटल है। जो चिट्ठी गई है उसमें QR कार्ड है, उस QR कार्ड को लेकर के जब कोई आदमी अस्पताल जाएगा और अपना राशन कार्ड दिखाएगा या वोटर लिस्ट दिखाएगा तो उसको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। उस गोल्डन कार्ड के साथ साथ उसकी उंगली का इंप्रेशन लिया जाएगा, उसके बाद जिंदगी भर वो अपनी उंगली और आंख के उससे ही उसका कार्ड चलेगा और उसका स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी और 5 लाख रुपए का सालाना कवर दिया जाएगा। ये डिजिटल की ताकत है, इस तरीके का डिजिटल वर्ल्ड बना है। और इस डिजिटल वर्ल्ड में मान लीजिए मैं हकदार हूं और मैंने कोई 50,000 का कार्यक्रम किया और मेरा भाई भी हकदार है, तो जब वो जाएगा तो उसको उस साल का 4,50,000 उसके कैश में दिखा देगा कि ये तुम खर्च कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने 50,000 खर्च कर दिया। ये डिजिटल की ब्यूटी है। और इसमें कोई पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा। आपका, आपकी जिस समय क्लियरेंस हो गई, आपको क्लियरेंस कर दिया गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे,
हमारा पैकेज बना हुआ है, ये 7 दिन का एडमिशन होगा, 2 दिन का एडमिशन ऑपरेशन से पहले, 5 दिन का ऑपरेशन के बाद, और इसके बाद इसकी छुट्टी। जब आप अपने घर पहुंचोगे आपको हमारा मैसेज आएगा, आप संतुष्ट हैं। जब आप कहोगे कि आप संतुष्ट हैं तो भारत सरकार का पैसा सीधा उस संस्थान को चला जाएगा। इस तरीके की डिजिटल और इसकी डिजिटल वर्ल्ड इसको इसको स्टडी करने लायक है। उत्तर प्रदेश का पैसा टाटा के मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई को जा रहा है, लोग वहां जाकर के कैंसर का इलाज करा रहे हैं, और यहां का जो हमने अलॉट किया है पैसा वो हम सीधे मुंबई के टाटा कैंसर सेंटर को दे रहे हैं। आपके पेशेंट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ रहे हैं, उनको सीधे पैसा उत्तर प्रदेश के नाम का भारत सरकार की तरफ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के दिल्ली को जा रहा है। और सब डिजिटल है, कोई भी इसमें कैश कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम और इसके साथ साथ इतने लोगों को अभी तक 10 करोड़ 4 महीने की स्कीम चली है, सिर्फ अभी तक 10,34,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, और लगभग 1400 करोड़ रुपए की बिलिंग हो चुकी है, 1400 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा चुके हैं इस तरीके का कार्यक्रम, 1400 करोड़। तो कार्यक्रमों की अगर हम दृष्टि से देखें, उसी तरीके से पीएम आवास योजना, आप घर की बात लीजिए, कांग्रेस के टाइम में कितने घर बनते थे आवास योजना में, आप उसको जोड़ लीजिए और आज की दृष्टि से जोड़ लीजिए, 1.25 करोड़ लोगों के घर बन चुके हैं, 1.25 करोड़ लोग। तो एक लंबी लिस्ट है जिसको हम आपके सामने कह सकते हैं। अभी स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए, टीकाकरण, आयुष्मान भारत, इंद्रधनुष, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम बन गया इंद्रधनुष। हमारे यहां टीकाकरण 60% था, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम खुश नहीं है, आपको जानकर के खुशी होगी कि हम 85% आप टीकाकरण कर रहे हैं, उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं जिनका टीकाकरण रहने से वंचित हो गए, और इसको हम 90+ ले जाएंगे, इस तरीके का हम काम करें। निमोनिया से 1 लाख बच्चा मरता था हर साल, डायरिया से 1 लाख बच्चा मरता था, 10 लाख हॉस्पिटलाइज होते थे, आज हमने उनके लिए भी इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, डायरिया को हम समाप्त कर रहे हैं, ये निमोनिया को बच्चों में से हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत सी योजनाएं 24 करोड़ लोगों को, बच्चों को, और 24 और 24 दो बार हम डीवर्मिंग दे करके, जो स्कूल से बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता था पेट में कीड़े होने के कारण, आज वो फिर से पढ़ने के आतुर हुआ है और उसकी सेहत का सुधार किया गया है, इस तरीके के कार्यक्रम हम लोगों ने लिए। ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेस, आप सोचिए 60 से लेकर के 2000 तक एक ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेज होता था, अटल जी आए उन्होंने 6 मेडिकल का ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेज खोले, और प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब 13 ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और उसमें काम चल रहा है। एक एक मेडिकल कॉलेज 1300-1400 करोड़ रुपए का बन रहा है और 2000 करोड़ रुपए सालाना उस पर खर्च होगा, इस तरीके के रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा, इस तरीके का काम होगा। तो ये जब चर्चा होती है तो मैं तो आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि देश बदल गया भाई, हर एक दृष्टि से हम उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बताइए ये प्रोग्राम जो है भारत मन की बात, जब हम लाखों लोगों को कैसा सपना वो भारत का देखना चाहते हैं उसके साथ समाहित करते हुए जब अगले 5 साल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारत कहां आगे बढ़ चुका होगा, इसको समझना चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। और इतना बड़ा जन भागीदारी का कार्यक्रम विकास के दृष्टि से आज तक कभी नहीं हुआ, इसलिए सब बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हम उसमें शामिल हों। आदरणीय योगी जी हम सबके बीच में हैं, आपको सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा रखेंगे। मैंने सिर्फ आपसे कोशिश की छोटे से समय में इस बात को बताने की कि हम सब लोग एक कमिटमेंट के साथ देश की तस्वीर बदलने के लिए निकले हैं, और हम लोगों से करोड़ों लोगों को आशाएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे सारा देश खड़ा, और उसके सपनों को साकार करना ये हमारी जिम्मेवारी है। मोदी जी को मजबूती के साथ इस कार्य में जुटने में हम सब भी सहभागी बने, ये हमारी छोटी सी कोशिश होगी जिसका हम सबको लाभ मिलेगा और हम सब लोग देश को आगे बढ़ाने में लाभकारी साबित होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।